आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे आप सब लोग। वेल, एज यू नो कि सर्दियाँ जा रही हैं और गर्मियाँ आ रही हैं, और इस बदलते मौसम में ना स्किन की हालत थोड़ी सी पतली हो जाती है, मतलब स्किन बहुत ही डल पड़ जाती है, डिहाइड्रेटेड हो जाती है, ग्लो चला जाता है, अनइवन स्किन टोन हो जाती है एंड दाग धब्बे और ज़्यादा उभर कर के दिखने लगते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा फेशियल जिसमें खर्चा तो आपका कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ 27 रुपये का खर्चा आएगा, और उस 27 रुपये को भी आप 2-3 बार फेशियल करके यूज़ कर सकते हो, लेकिन 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 आपके फेस पर ग्लो इतना बढ़ जाएगा कि पार्लर का महंगे से महंगा फेशियल उसके सामने फीका लगेगा। बहुत बहुत अच्छा फेशियल है। अगर आपकी स्किन बिल्कुल डल पड़ गई है ना सर्दियों में और आप चाह रहे हो कि फिर से जीवन मिल जाए, नया जीवन मिल जाए आपकी स्किन को, तो ये वीडियो, ये फेशियल आपके लिए है एंड इसको ट्राई कीजिएगा। रिजल्ट देखकर आप खुद हैरान रह जाओगे, मतलब आपकी स्किन में ज़मीन आसमान का अंतर आप खुद देख पाओगे। और बहुत ही ज़्यादा ग्लो देता है फेशियल, आपकी स्किन की झाइयों को, झुर्रियों को दूर करता है और स्किन को इवन टोन बनाता है, साथ ही साथ आपके पोर्स को भी श्रिंक करने का काम करता है। ये फेशियल है विटामिन ई का फेशियल। विटामिन ई, एज यू नो, आपकी स्किन के लिए कितना ज़रूरी होता है, स्किन को रिप्लेनिश करने के लिए, रिजुविनेट करने के लिए विटामिन ई का जवाब ही नहीं है, साथ ही साथ डल स्किन को ग्लोइंग बनाता है। और इस फेशियल में मैंने यूज़ किए हैं एवियन 400 के ये कैप्सूल्स, केमिस्ट की दुकान पे आसानी से मिल जाएंगे आपको, और इनकी कीमत है 27 रुपये, यानी कि 10 कैप्सूल्स आपको 27 रुपये में मिल जाएंगे। लेकिन इस फेशियल में 4 ही यूज़ होंगे और बाकी के कैप्सूल्स आप बाद में यूज़ कर सकते हो, अपनी क्रीम में मिला के यूज़ कर सकते हो या फिर दोबारा फेशियल करने में यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ही सस्ता, बढ़िया, टिकाऊ फेशियल है और आपको रिजल्ट माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छे देने वाला है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप खरीद के ले आइएगा, और अगर हैं तो मेरे साथ ही शुरू कर दीजिए ये फेशियल, बेहतरीन नतीजे आपको मिलेंगे। लाइव रिजल्ट्स भी मैं आपको वीडियो में ही दिखाऊंगी। तो अगर विटामिन ई का ये फेशियल का टॉपिक पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, क्योंकि इसी से मुझे मिलती है ढेर सारी इंस्पिरेशन, मोटिवेशन आपके लिए वीडियोज लाने की। और अगर आपने ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर दिया है तो आपको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये फेशियल। एज यू नो कि फेशियल का फर्स्ट स्टेप होता है क्लेंजिंग, तो क्लेंजिंग हमेशा की तरह कच्चे दूध से करेंगे। आपको लेना है थोड़ा सा रॉ मिल्क, यानी कि कच्चा दूध, ये ठंडा होना चाहिए, चिल्ड होना चाहिए। इसमें आपको एक कॉटन बॉल को डुबोना है और इस तरह से आपने अपनी स्किन को, अपने फेस को क्लीन कर लेना है कॉटन बॉल की हेल्प से। दूध में होता है लैक्टिक एसिड, जो कि आपकी स्किन की सारी डस्ट एंड डेब्रिस को दूर करता है और स्किन को फेशियल के लिए तैयार करता है, साथ ही आपके पोर्स को डीप क्लीन करने का भी काम करता है। तो इस तरह से आपको 1 से 2 मिनट के लिए क्लेंजिंग करनी है, अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, यानी कि स्क्रबिंग की तरफ। स्क्रब बनाना बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको चाहिए ओट्स का पाउडर, ओट्स हम नाश्ते में यूज़ करते हैं ना, उसका पाउडर आपको लेना है। ओट्स में क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और स्किन टोनिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, साथ ही साथ ये माइल्ड स्क्रब का भी काम करता है। ओट्स अगर घर पर नहीं है तो घबराइएगा नहीं, आप चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हो। तो 1 चम्मच मैंने ओट्स का पाउडर लिया है यहाँ पे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच हनी, यानी कि शहद। शहद आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स को रिमूव करने में बहुत अच्छा होता है, साथ ही साथ ये डेड लेयर को हटा देता है और स्किन को डीपली डीपली नरिश करता है। तो 1 चम्मच शहद हम ऐड करेंगे और 1 चम्मच रोज़ वाटर, यानी कि गुलाब जल ऐड कर रही हूँ। तीनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा स्टार इंग्रेडिएंट, यानी कि 1 विटामिन ई का कैप्सूल। तो इसे प्रिक कर लेंगे और इसका ऑयल एक्सट्रैक्ट जो है वो हम अपने स्क्रब में ऐड कर देंगे। इस तरह से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया, ये स्क्रब रेडी हो गया। इस स्क्रब से आपको अपने फेस पर 3 से 4 मिनट के लिए मसाज करनी है, सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिएगा। बहुत ही माइल्ड एंड जेंटल स्क्रब है, इनफैक्ट आप इसे रोज़ यूज़ कर सकते हो, आँखों के आसपास, लिप्स पर भी इस स्क्रब को यूज़ किया जा सकता है और इसके नतीजे माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छे आते हैं। मार्केट का कोई भी स्क्रब इसके सामने फेल है, मतलब मैं इसे कई बार बनाकर भी रख लेती हूँ 4-5 दिन के लिए। बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देता है ये। इस तरह से आपने 3 से 4 मिनट के लिए स्क्रबिंग कर ली है, उसके बाद आपको फेस को पानी से धो लेना है। पानी से धोने के बाद ही आप अपनी स्किन में ना एक न्यू चेंज देखेंगे, स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी, साथ ही साथ डेड लेयर सारी हट चुकी होगी और ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स भी रिमूव हो चुके होंगे। स्किन का ग्लो भी एकदम से बढ़ जाता है स्क्रब के बाद। इनफैक्ट अगर आपके पास पूरा फेशियल करने का नहीं है टाइम, तो
दो तीन दिन में ये स्क्रब कर लेंगे ना तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये स्क्रब हमारा हो गया है, अब हम फेस मसाज करेंगे। उसके लिए मसाज क्रीम हम बनाएंगे। मसाज क्रीम बनाने के लिए आपको चाहिए एलोवेरा जेल। मैं यहाँ पर एलो सैंडल जेल ले रही हूँ, क्विक केयर ब्रांड का मैं यूज़ करती हूँ। एलोवेरा आपकी स्किन को रिप्लेनिश करता है, सैंडल जेल आपकी स्किन को गोरा बनाता है, तो टू इन वन इफेक्ट देता है एलो सैंडल जेल, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एलो सैंडल जेल है ये। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो एक चम्मच के करीब मैं यहाँ पर एलोवेरा सैंडल जेल ले रही हूँ। साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एप्पल। एप्पल को मैं बारीक बारीक टुकड़ों में काट कर इसे मिक्सी में पीस करके इसका पल्प बना लूँगी। आपके घर में कोई भी फ्रूट पड़ा हो, चाहे वो एप्पल हो, पपाया हो, केला हो, स्ट्रॉबेरी हो, यू नो ऑरेंजेस हो, कोई भी फ्रूट जो आपके पास है वो आपने इसमें मिला लेना एक से डेढ़ चम्मच। तो मैं यहाँ पर एप्पल ऐड कर रही हूँ, इसको पीस लिया मैंने, इसका पल्प बना लिया है, तो एक चम्मच पल्प मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है दो विटामिन ई के कैप्सूल्स। दोनों विटामिन ई के कैप्सूल्स को मैं प्रिक करके इसमें डाल दूँगी कुछ इस तरह से। तो ये जो क्रीम आपकी बन गई है ना, ये आपकी स्किन को गोरा भी बनाएगी, आपकी स्किन के दाग धब्बे भी हटाएगी और टोन करेगी आपकी स्किन को, और साथ ही साथ झुर्रियाँ आने से भी रोकेगी। आँखों के नीचे काले घेरे हैं वो दूर हो जाएंगे। ये क्रीम भी आप बना करके स्टोर करके रख सकते हो, 10 से 15 दिन के लिए ख़राब नहीं होती है ये। तो इस तरह से मैंने इसे पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया है। जेंटल स्ट्रोक्स दूंगी, सर्कुलर मोशन में मसाज करूंगी और धीरे 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 आपके फेस के सभी हिस्सों को कवर करेंगे मसाज में, चाहे वो आईज़ के आसपास का हिस्सा हो, आपके नोज़ के आसपास का हिस्सा हो, चीक्स हो, फोरहेड हो, और सर्कुलर मोशन में अपवर्ड डायरेक्शन में आपको मसाज करनी है। पिंचिंग एंड टैपिंग आप करते रहिए, साथ ही साथ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आप दबाते रहिए। मैं हर फेशियल में तो रिपीट नहीं करूँगी, बहुत डिटेल में मैंने बहुत सारे फेशियल्स में बताई हुए हैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। तो इस तरह से तकरीबन 6 से 8 मिनट के लिए आप मसाज कीजिएगा, एंड देन उसके बाद आपको फेस को धोना नहीं है, इसे जज्ब होने दीजिए अपनी स्किन के अंदर, और इसी के ऊपर आप फेस पैक लगाएंगे। फेस पैक बनाना भी बहुत सिंपल है, बहुत ही ईजी है, घर पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फेस पैक बनाने के लिए आपको चाहिए एक चम्मच बेसन। कई लोगों को बेसन सूट नहीं करता है, तो वो क्या करें, वो मुल्तानी मिट्टी ले सकते हैं, सैंडलवुड पाउडर ले सकते हैं, हिबिस्कस पाउडर ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं, तो इनमें से कोई भी चीज़ आप ले सकते हो। मैं फ़िलहाल यहाँ यूज़ कर रही हूँ बेसन। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक चम्मच टमाटर का गूदा। टमाटर को भी मैंने पीस लिया है, उसका गूदा बना लिया है, तो एक चम्मच टमाटर का गूदा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। एंड अगेन एक कैप्सूल विटामिन ई का मैं ऐड कर रही हूँ, प्रिक करके इसका एक्सट्रैक्ट मैं इसमें डाल रही हूँ। इन तीनों चीज़ों को आपने कर लेना है मिक्स, और ये आपका बहुत ही बढ़िया ग्लो पैक बन करके तैयार है। विटामिन ई के फेशियल की सबसे बड़ी बात ये है कि ये स्किन की पूरी ड्राइनेस को एक ही बार में हटा देता है और बहुत ही सॉफ्ट बना देता है स्किन को। तो इस तरह से हम अपने फेस पर इस फेस पैक को अप्लाई कर लेंगे, और पूरे आँखों के आसपास भी लगा सकते हो आप, और इवन इस फेस पैक को लिप्स पर भी लगा सकते हो, लिप्स का कालापन दूर करने में भी बहुत हेल्प करता है। तो इस तरह से पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया है, 15 से 20 मिनट के लिए इसे रखना है अपने अपने फेस के ऊपर, और उसके बाद आप पानी से फेस को वॉश कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा जिस दिन ये फेशियल करेंगे उस दिन आपको साबुन या फेस वॉश नहीं लगाना है फेस पर, ओनली पानी से ही फेस को धोइएगा, तो इसका रिज़ल्ट अगले दिन और भी बेहतर आता है। इंस्टेंट तो आता ही है, अगले दिन और भी निखर के आती है स्किन। तो ये देखिए, ये मैं अब फेस को वॉश कर चुकी हूँ, और अभी मैंने अच्छे से पोंछा भी नहीं है फेस को, एंड फेस का ग्लो देखकर मतलब मुझे ही खुद को ही अच्छा लग रहा है, और सॉफ्टनेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है स्किन की कि मतलब हाथ लगाने को दिल कर रहा है स्किन को, और बहुत ही अच्छे नतीजे देता है ये विटामिन ई का फेशियल, एंड बहुत ही सस्ते में हो जाता है, एंड आपको बिल्कुल भी ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे मार्केट जा कर के कोई फेशियल किट खरीदने में, या पार्लर जाके सैलून जाके फेशियल कराने में। घर पर ये फेशियल कीजिए और नेचुरली अपनी स्किन को खूबसूरत बनाइए, जवां बनाइए, और सीरियसली अपना पैसा भी बचाइए, टाइम भी बचाइए। तो देखा आपने, पार्लर पर जाकर के महंगे महंगे फेशियल्स कराने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, घर पर सस्ते में ये फेशियल कर सकते हो और अपनी स्किन के ग्लो को बढ़ा सकते हो, स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी स्किन की डलनेस को, झाइयों को, झुर्रियों को भी
काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हो। ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप भी खुद घर पर विटामिन ई का फेशियल ज़रूर करेंगे और अपने रिजल्ट्स मेरे साथ ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर पर, जहाँ भी आप लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो अब तो लाइक करना बनता ही है, और अगर आपने मेरे चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब का रेड बटन है नीचे, उसे ज़रूर ज़रूर दबाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलूंगी आपसे किसी हेल्थ या किसी ब्यूटी टिप के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल। बाय बाय।